मैं इस टाइम सड़क से निकल रहा था तो मेरी नज़र पड़ी दो लोगों पर जो कि अपनी माता जी को लेते हुए यहाँ से निकल रहे थे और ये रहने वाले हैं माहौर के। आपका नाम क्या है? मंजूर अहमद मलिक। इनका नाम है मंजूर अहमद मलिक। ये सिलाई बुनाई का काम करते हैं, छोटा मोटा काम है। माहौर इलाका एक बड़ा फॉरवर्ड रिमोट इलाका है और अपनी माता जी को लेके यहाँ पर घूम रहे थे और परेशान थे, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या परेशानी क्या आ रही है इनको। तो इनको परेशानी क्या आ रही है, इनके हाथ में ये दो कागज़ हैं, एक है गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी का ये OPD कार्ड और दूसरा इसके ऊपर कुछ इनको लिखा गया है, एडवाइस की गई है कि एक अल्ट्रासाउंड करवाना है इनको। अब जो ये अल्ट्रासाउंड करवाना है वो इनको सजेस्ट किया गया कि आप एक प्राइवेट बाहर जाके किसी प्राइवेट सेंटर से जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं। अब मेरे को ये समझ नहीं आता कि प्राइवेट सेंटर से क्यों अल्ट्रासाउंड कराएं, क्या सरकारी हॉस्पिटल के पास मशीनें नहीं है अल्ट्रासाउंड की? जब मैंने इस प्राइवेट क्लिनिक में जाके इस सेंटर में पूछा कि ये जो अल्ट्रासाउंड है ये कोई स्पेशल अल्ट्रासाउंड है जो सरकारी हॉस्पिटल में ही होता है, तो जो प्राइवेटली वहाँ पे जाऊँ मैं, उनने कहा आप KC के पास चले जाओ, वहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड जो है करा के लाओ और मैं 3:30 बजे तक यहीं हूँ। तो जब मैं क्लिनिक में पहुँचा मैंने वहाँ मैडम से कहा, मैंने कहा मैम मैंने कराना है अल्ट्रासाउंड मम्मी का, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो पहले बिठाया आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा आपको जो है कल होगा, ये कल 12 बजे के आसपास होगा, अभी हमारे पास बुकिंग हो चुकी है। तो सर अभी यहाँ हमारे खस्ताहाली रोडों की है, सबसे पहले हमें 2 दिन आने में वहाँ से यहाँ लगे और यहाँ सरकारी हॉस्पिटल इसलिए बने थे कि गरीब आवाम को कम से कम फ़ायदा पहुँचे। और ऐसे ही कितने नौजवान मेरे भाई होंगे, कितनी मेरी माएँ बुज़ुर्ग होंगी जो बेचारी मायूस होकर इन सरकारी हॉस्पिटलों से वापस जाती हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर मुझे यहाँ तक जो लग रहा है कि डॉक्टर जो हजरात हैं यहाँ पे, जो डॉक्टर हॉस्पिटलों के अंदर हैं, इन्होंने बाहर अपने वो कारखाने खोल के रखे हैं और अपना वो बिज़नेस चलाते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो भी मशीनरीज हैं उनको बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती है उन मशीनरीज के थ्रू लोगों को क्यों नहीं, उन गरीब लोगों को फ़ायदा दिया जाता है। आखिरकार ये गरीब लोग कहाँ जाएँ, मुझे ये समझ नहीं आती हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा ये जुल्म और इतना क्यों हो रहा है। मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, अब एक हैरान करने वाली बात और है, इनको जब इन्होंने कहा कि आज इनके लिए कोई टाइम नहीं है तो ये बाहर जब मुझे मिले, जब मैं आपको मिला फिर हम ऊपर गए, फिर क्या बात हुई? सर जब हम ऊपर पहुँचे आपने उनसे कहा कि ये मैम ये एक्सरे यहाँ पे नहीं होगा, उन्होंने कहा हाँ 4 बजे तक हो जाएगा, और जब आपने मुझसे कहा कि भाई क्या हुआ, मैंने कहा सर इन्होंने मुझे कहा, मैम ने कहा कि भाई कल 12 बजे के आसपास होगा। तो दूर दराज के लोगों को कितनी परेशानी होती है, चलिए जो लोग तो जम्मू के यहाँ के अर्बन इलाके से आ रहे हैं उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए ये बेचारे माहौर से आए हैं, बैग टांगा हुआ है, सिलाई का काम करते हैं, अपनी माता जी को लेके घूम रहे हैं यहाँ पर सड़कों के ऊपर, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? माता जी क्या परेशानी आई, जैसे भी आपको बोलना है, जिस भी अगर आपको कश्मीरी आती है आप कश्मीरी में बोलो, क्या आपको कितनी दिक्कत आ रही है यहाँ पर? माता जी बोलो कश्मीरी में बोलो, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत आ रही है आपको कश्मीरी में बोलो? जुलम करान वुचन मे वोम बिल्कुल वुचन लागत मरीज। आप कितनी दूर से आए हैं? दूर और रूल गुलाबगढ़ पेट है। आपको परेशानी आ रही है? परेशान छस वन वन पे फायदा दी दूर पे आये। क्या करेंगे जो दूर दराज के लोग हैं आपके जैसे, कितने लोग आते होंगे? सर बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो हद से ज़्यादा परेशान लोग हैं, हमारा ये बहुत पसंदीदा इलाका है, गरीब इलाका है मेरी। सर आपसे मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी हेल्प की, मैं आपकी इस हेल्प से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं इस आपके माध्यम से गवर्नर जनाब सत्यपाल मलिक जी को मैं खसूसी ये ज़ाती तौर ये कह देना चाहता हूँ कि ख़ास करके बराए मेहरबानी हमारे इन गरीब इन इलाकों की तरफ देखे, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है पसंदा इलाका है, बहुत गरीब इलाका है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। वहाँ हमारे माहौर के अंदर जो हॉस्पिटल है वहाँ भी खस्ता हाली है, ना वहाँ पे हमें डॉक्टर मिल रहे हैं ना हमें स्टाफ मिलता, अगर 1-8 डॉक्टर मिल भी जाता है वो भी 10 दिन 5 दिन 4 दिन हॉस्पिटलों के अंदर पेशेंटों को रख कर और वहाँ से वह रियासी भेजते हैं उनको, और रियासी से भी फिर
दो चार दिन वो रखते हैं सर, वहाँ भी स्टाफ नहीं होता, वहाँ मशीनरीज नहीं है, वहाँ से जब यहाँ भेजते हैं यहाँ भी वही जुल्म हम उन गरीब लोगों के साथ होता है। मुझे आखिरकार ये समझ नहीं आता कि अब तक ये जुल्म रहेगा। अभी पिछले दिनों में हमारे मेरे इलाके से दो पेशेंट ऐसे आए जिनको यहाँ से भी रेफ़र करके चंडीगढ़ PGI भेज दिया गया, जहाँ उन बेचारों का 50-60 हज़ार रुपया, लाख रुपया उन लोगों का खर्चा आया। मैं आपसे खास करके गवर्नर सत्यपाल मलिक जी से गुजारिश करता हूँ कि सर खुदा के लिए इन सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर देखिए ये जुल्म क्यों हो रहा है इन गरीब लोगों के साथ। मैं एक बार आपसे फिर बात करूँगा, पहले मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा, एक बार ये दोनों स्लिप्स आप कैमरा में दिखाएं। पहले गवर्नमेंट जो सुपर स्पेशलिटी की स्लिप है, जो OPD कार्ड है, जो दूसरा वाला OPD कार्ड है, पहले वो दिखाया जाए। और फिर आप ये देखिए, इसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि इनको अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया गया है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, इनको कुछ किडनी की प्रॉब्लम है माता जी को। अब ये अल्ट्रासाउंड के लिए इनको बाहर जाना है। अब आपको मैं दूसरा कार्ड दिखाता हूँ, ये दूसरा कार्ड है, ये OPD कार्ड है, ये सुपर स्पेशलिटी का OPD कार्ड है, और यहाँ पर इनको जो है ये भेजा जाता है कि बाहर जाइए और प्राइवेट में आप लोग जाके जो है अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। अब मुझे ये समझ नहीं आती, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुपर स्पेशलिटी का इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर ये अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं यहाँ पर हो रहा? अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए इन लोगों को, ये बेचारे दूर दराज के इलाके के लोग हैं, माहौर के लोग हैं, रियासी के लोग हैं, इन लोगों को जो घर से आए हैं, एक सिलाई का काम करते हैं, इतनी गुर्बत है उनके इलाके में, और इन लोगों को प्राइवेटली बोला जा रहा है कि प्राइवेटली आप जाइए और अल्ट्रासाउंड करवाइए। आपके पास पैसे थे प्राइवेट करवाने के? नहीं सर, पैसा कहाँ, अब किसी से उधार उठा के करना था, कुछ करना है सर, क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं, क्या करें। आए थे हम आस लेके कि हम सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराएं, अब सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर भी वो एक कबाड़खाना बन चुका है, यहाँ भी इन सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर ऐसे जैसे बकरी को और मुर्गों को ज़बह किया जाता है, इसी तरह आज यहाँ गरीब लोगों को ज़बह किया जाता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है, ये सरकार इतना कुछ दे भी रही है इन सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर, दवाइयाँ दे रही है, मशीनरीज दे रही है, और इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी इन गरीब लोगों के ऊपर ये जुल्म व सितम क्यों हो रहा है? इसके कारण मैं फिर से यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नर सत्यपाल मलिक जी तक और नरेंद्र मोदी जी तक इस बात को पहुंचाए कि इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर जो ये ज़बह खाने बन चुके हैं, इन ज़बह खानों को रोक दिया जाए, कम से कम यहाँ सरकारी इन गरीब लोगों को कोई इंसाफ मिले, इन गरीब लोगों की यहाँ मदद मिले कुछ। कई बार बड़ा दुख होता है जब ये गरीब लोग, माता जी आए हुए हैं, इनका बेटा अपनी माता जी को लेकर दर बदर हो रहा है, माहौर से आए हैं, सुपर स्पेशलिटी से प्राइवेट क्लिनिक आए, प्राइवेट सेंटर से, जब GMC जाएंगे, पैसे नहीं हैं, उधारे लोगों से पैसे मांगे, ये टेस्ट कराने के लिए प्राइवेट। अब आप बताइए, सरकारी अल्ट्रासाउंड मशीनें किस लिए हैं, सरकारी CT स्कैन मशीनें किस लिए हैं? क्या उनको धूप बत्ती करनी है, उनके ऊपर हार चढ़ाना है कि अगर इन लोगों को बाहर ही इस तरह से अपना इलाज करवाना है तो? ये हालत है, ऐसी सेम चीज़ जो है दवाइयों के साथ भी है। मेडिसिन आपको कोई ऐसी नहीं मिलेगी जिन मेडिसिंस के ऊपर जो है कोई आपको डिस्काउंट मिले, कोई आपको सस्ती मेडिसिन मिले, जो प्राइम मिनिस्टर की जन औषधि की मेडिसिंस है वो आपको लिखी नहीं जाएंगी जो आपको मिलेंगी। ये तो हालत है, और वो दुकानदार जिन्होंने प्रधानमंत्री की जन औषधि की दुकानें खोली हैं वो बैठे हुए हैं, कोई आएगा उनके पास, आएगा कहाँ से? डॉक्टर वो मेडिसिन ही नहीं लिखेंगे। अब इसमें किस किस का कसूर है, किस किस को जिम्मेवार ठहराएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। ये लोग, आज मैं इनसे यहाँ पर इस सड़क पे मिला हूँ, अचानक मिल गए, इन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, मैंने इनकी माथे पे शिकन देखी, और वो शिकन देख के मैं इन लोगों के पास आया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये माता जी नहीं इतना बोल पाए, लेकिन इनको ये दिक्कत आ रही है, और उनका बेटा उनके लिए जो है किससे उधार मांग के प्राइवेट सेंटर्स में जाके अल्ट्रासाउंड कराना चाहता है। शर्म आनी चाहिए मेडिकल डिपार्टमेंट को, शर्म आनी चाहिए मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को। अब होगा क्या, अब ये मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपना कोई पुरानी लिस्ट निकालेंगे और किसी भी एक व्यक्ति को दे देंगे और वो कैमरा के आगे खड़ा हो जाएगा वो लिस्ट लेके, ये देखिए जी ये लिस्ट है वो लिस्ट है। और यार अगर आपको कोई लिस्ट ही दिखानी है तो गरीब लोगों के काम आइए। मैं सुपरिटेंडेंट्स, डॉक्टर्स और CMOs और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए सारी दुनिया है, गरीबों के लिए कोई नहीं है। मैक्सिमम मैंने सर इन सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर जो देखा है वो उन लोगों को फ़ायदा दिया जाता है जो उन डॉक्टरों के जो खास होते हैं, जो उनको बाहर क्लिनिक में भेजकर उन लोगों को फ़ायदा देते हैं, उन्हीं लोगों को जो
पैसे वाले लोग होते हैं उनकी उनका इलाज मालजा जो होता है वो सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर होता है। उन डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक के बाहर खोल कर और उन गरीब लोगों को जब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आते हैं उनको वहाँ से भगा कर एक किस्म की लात मार कर बाहर भेजते हैं बाहर क्लिनिक पे और वो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराएंगे। आखिरकार ये गरीब लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? मैं तो चलो उधार करके कुछ ना कुछ करके अपनी माँ का इलाज तो करा ही लूँगा, लेकिन मैं खुदारा कहता हूँ ये कम अज़ कम से हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार को जागना चाहिए। क्यों इतना जुल्म क्यों हो रहा है? इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है इस हमारे इन सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर? क्यों इन सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर इनको ज़बाखाना बनाया गया? अगर इन सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर गरीब लोगों को इंसाफ नहीं देना है, नहीं गरीब लोगों को आपने देखना है, तो खुदा के लिए इन सरकारी हॉस्पिटलों को बंद किया जाए, मत फेर रखिए। क्यों इस सरकार के, अगर सरकार अरबों और खरबों पैसा देती है, वो मुझे समझ नहीं आता वो पैसा आखिरकार कहाँ लगता है, ये मशीनरीज किस लिए रखी हैं? मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो गरीबों और मस्किन लोगों के ऊपर इतना जुल्म और सितम करती है। ये एक बेटा है जो अपनी माँ के अल्ट्रासाउंड के लिए प्राइवेट क्लिनिकों के चक्कर काट रहा है, सरकारी मशीनें होने के बावजूद भी। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि गवर्नर साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। आशीष कोहली की स्पेशल रिपोर्ट, जय हिंद।